वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आलू टिक्की बनाना सीखेंगे। किस तरह से आलू टिक्की बनानी है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले बॉयल किया हुआ आलू चाहिए। आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं। उसके बाद में आपको आलू के ऊपर से सारे छिलके को अच्छी तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद आपको इसे मैश कर लेना है। मैश आप किस तरह से करेंगे, आप कद्दूकस कर लें, इससे अच्छे से प्रॉपरली मैश हो जाता है। लेकिन इसको आलू को आप ज़्यादा ना उबालें। अब इसमें हम हरा मिर्च ऐड करेंगे और ये है हरा पुदीना। आप इसमें हरा पुदीना चॉप करके अच्छे से उसमें हरा पुदीना डालें, लाल मिर्च डालें और इसमें अब आप नमक ऐड करें अपने स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आप में इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनके डो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है और जब आप फ्राई करते हैं तो ये खुलते नहीं हैं, क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप चावल का आटा और मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लावर को कुछ इस तरह से इसमें ऐड करके इन्हें अच्छे से गूँथ लेना है। प्रॉपर आप इसको गूंथने के बाद में अब इसकी आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं कुछ इस तरह से। इसमें आप ऑयल भी जब ऐड करेंगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं, और वो वीडियो क्लिप स्किप हो गई, सॉरी। सो आप इसमें ऑयल ऐड करें या आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि डो अच्छे से बन जाए। अब आपको कुछ इस तरह से बॉल्स बना लेने हैं। अपने साइज़ के अनुसार आपको जितना बड़ा रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब आपको फ्राइंग पैन लेना है, तवा लेना है, उसमें आपको वो तेल डालना है। आपको डीप फ्राई नहीं करना है, आपको नॉर्मल बस इसको सेकना है। तेल गर्म होने के बाद आप इसमें इस तरह से अपने आलू टिक्की को रखिए और रखने के बाद आप धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको फ्राई करें। कुछ इस तरह से इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, इस कलर में रखना है। तो फाइनली लीजिए, तैयार है हमारा आलू टिक्की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।